हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं जूलॉजी स्पेशल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जूलॉजी स्पेशल के 120 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे, उसी वादे के अनुसार आपके लिए लेकर आए हैं 120 क्वेश्चन की वो सीरीज़ जो TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, UPMP, झारखंड, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी या जूलॉजी का कोई भी एग्जामिनेशन हो बायोलॉजी का जिसमें जूलॉजी पूछी जाती है, उनमें से चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन PCS में पूछे गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये PCS में पूछे गए हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में पूछे गए हैं, ये आपके TGT में पूछे गए हैं, PGT में पूछे गए हैं, KVS, NVS, DSSB, झारखंड, MP, मतलब पूरा ऑल इंडिया लेवल का या अदर जो देशों के भी एग्ज़ाम होते हैं। चूँकि जो जूलॉजी है वो ऐसा तो नहीं कि इंडिया में क्रोमोसोम्स दूसरा हो जाएगा, पाकिस्तान में दूसरा, नेपाल में दूसरा और इंग्लैंड में दूसरा, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमने यहाँ क्या है, डिस्क्रिप्शन भी आपको उपलब्ध मिलेगा, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन और ये क्वेश्चन किस किताब से लिया गया था। तो जैसे ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये साइटोलॉजी CB पवार की जो बुक है, पेज नंबर 571 थर्ड एडिशन से ये डिस्क्रिप्शन लिया गया। तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़िएगा, हम डिस्क्रिप्शन पर मेन पॉइंट से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आपको बताएंगे और आप इनको देखिएगा, अपनी तैयारी को उसी हिसाब से धार दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम किससे प्रोड्यूस्ड होता है, तो चार ऑप्शन है, माइटोकांड्रिया, सेंट्रियोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी एपरेटस। तो आप देखिए, आंसर मत देखिएगा, आंसर यहाँ लिखा हुआ मगर आप उसको मत ध्यान दीजिएगा, इसको देख के लगाइएगा फिर यहाँ देखिएगा। तो ऑप्शन डी है गोल्जी एपरेटस। और आप सब जानते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इसकी खोज किसने की थी, तो डी डुगे ने 1955 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA सिंथेसिस इन ए सेल टेक प्लेस ड्यूरिंग किस में होता है, यस फेज, G1 फेज, G2 फेज और माइटोसिस। तो आप सब जानते हैं कि सिंथेसिस यस फेज का मतलब ही है सिंथेसिस फेज से, तो ऑप्शन इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काइनेटोकोर्स असेंबल ऑन ईच क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर्स असेंबल ऑन ईच क्रोमोसोम्स, तो कब असेंबल होता है, तो अर्ली प्रोफेज। ये आपका देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये मॉडर्न जूलॉजी है, रमेश गुप्ता की है और 154 पेज पे ये आंसर दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्रोमेटिड ज्वाइंट टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, क्रोमेटिड ज्वाइंटेड टुगेदर बाय ए डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। द अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, टू आर्म्स क्रोमोसोम कॉल्ड क्रोमेटिड। आप इसको देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव जूलॉजी है SK शर्मा की, उस बुक से लिया गया आंसर है। क्रोमोसोम कंटेन, तो क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है, हिस्टोन पाया जाती है, नॉन हिस्टोन। ये जेनेटिक्स PK गुप्ता की आती है और ये किस पब्लिकेशन की है, रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है ये, तो PK गुप्ता बहुत अच्छी किताब है और बहुत ब्रॉड लेवल पर लिखी हुई है, आप पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है PK गुप्ता की जेनेटिक्स की, और इनकी बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स मिक्स भी आती है। क्रोमोसोम कंटेन DNA, RNA एंड प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, ऑल ऑप्शन क्लियर बाय दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस, तो बताएगा, तो क्या नहीं होता है, तो होता क्या नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंडज मोरन पार्टिकल आर फाउंड इन, तो फ्रेंड्स जो मोरन पार्टिकल पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्तरी क्वेश्चन है, तो ये पाया जाता है माइटोकांड्रिया में, ये PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1994 में PCS में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल फाउंड इन द माइटोकांड्रिया, कौन सा, फॉरेंस मोरन कार्ड स्टॉक पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये पाया जाता है माइटोकांड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन द रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वो है सही ऑप्शन बाइवैलेंट क्रोमेटिस होमोलोगस और सेंट्रोमियर, तो इसका सही ऑप्शन है सी। DNA
ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, तो ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, नेकेड डबल स्टैंड सर्कुलर एंड ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव ये सीबी पवार की जो बुक है साइटोलॉजी की, उससे ये क्वेश्चन निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइबो न्यूक्लियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइबो न्यूक्लियस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो लाइस का है, ध्यान रखिएगा। राइबो न्यूक्लियस इज ए एंजाइम टू द लाइसेस ग्रुप, इट इन्वॉल्व द लाइस द आर एन ए ब्रेकिंग द आर लाइस द आर एन ए इन द न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, देखिए आर एन ए इन द न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, द आर एन ए इज द कम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन, हाइड्रोलाइज इंजाइम इन्वॉल्व, अब बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइज की, तो हाइड्रोलाइज इंजाइम इन्वॉल्व द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफरेज रिएक्शन कंट्रोल द ट्रांसफरेज एंड लाइगेज एज ज्वाइनिंग ऑफ इंजाइम, तो ये था ट्रांसफरेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से कौन से क्वेश्चन बने हैं, सबके क्वेश्चन हैं इसमें, और ये वो क्वेश्चन है जो एक टाइम पीरियड में क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं, 120 क्वेश्चन। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में आया है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, एक्स एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पी के गुप्ता से ये इनका डिस्क्रिप्शन लिया गया है, व्हेन वन जीन डोमिनेट्स द एक्सप्रेशन द एनोदर जीन द फिनोमना इज नोन एज द प्लियोट्रॉफी, तो ये क्वेश्चन जो है वो केवीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, केवीएस पीजीटी में, और ये यूपी पीजीटी का भी क्वेश्चन है, और ये टीजीटी का भी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन कॉल द मॉडिफायर्स जीन मे बी इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस्ड बाय द एनोदर जीन, ये जो लिया गया है पी के गुप्ता की जो जीनेटिक्स है उससे। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, तो ये पी जी टी का आया हुआ क्वेश्चन है, मगर पी जी टी में ये नहीं पूछा था, ये क्रम नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा था कि कौन सा हॉर्स सबसे पहले बना, कौन सा बाद में बना, इस तरह क्वेश्चन बने हैं, तो इसका सही आंसर है ए, योहिप्पस ओरोहिप्पस मीजोहिप्पस प्लियोहिप्पस, तो ये दिया है योहिप्पस ओरोहिप्पस मीजोहिप्पस मेरी मेरी किप्पस और प्लियोहिप्पस इक्वस, ये एवोल्यूशन ऑफ वीरवाला रस्तोगी की जो है गार्गी कॉलेज की हैं ये मैडम, उनकी बुक से ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंटोजिनी रिकैप्टुलेशन फाइलोजिनी द फिनोमना इज द एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करता है, चार ऑप्शन है, म्यूटेशन थ्योरी, इनहेरिटेंस थ्योरी, रिकैप्टुलेशन थ्योरी, नेचुरल, तो वो सही ऑप्शन है रिकैप्टुलेशन थ्योरी, और ये किसने दिया था, हैकल ने दिया था, ये रस्तोगी के बुक से लिया गया है, पेज नंबर 13 में ये दिया हुआ है, 9th एडिशन की बुक थी जो। ए डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10,000 बेस पेयर विल हैव ए लेंथ, तो एक 34 होता है, कितना होता है, 10 पेयर 34 में होते हैं, तो बस 34 अपन हमने 10 कर दिया, देखे दिया है तो अपन 10 कर दिया, अब चूंकि 10 जा रहे हैं तो कितने हो गए, ये एनएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिल कीटोन्यूरिया डिजीज, सो देखिए थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं, 40 से 50 क्वेश्चन आपको आज दे दें, क्योंकि तीन वीडियो में 120 क्वेश्चन हो पाते हैं, इसलिए आपको अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ना हो या कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो थोड़ा सा आप रोक के आप उसको पढ़ सकते हैं। फेनिल कीटोन्यूरिया डिजीज सोर द लेस अमाउंट ऑफ फेनिल एलानिन इन टिश्यू या एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिल एलानिन टिश्यू, तो ऑप्शन ए सही है। इट इज डिजीज कॉज्ड बाय द बायोकेमिकल म्यूटेशन, क्या है बायोकेमिकल म्यूटेशन, इस सिम्टम डिजीज द एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिल एनालिन कॉज द मेंटल डिसऑर्डर, द चिल्ड्रन सटिंग विद द डिजीज आर नोन एज द फेनिल पायरूविक इडियट्स सफरिंग द विद द डिजीज नोन एज द फेनिल पायरूविक इडियट्स, ये आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। Which of the following regarded as the most primitive horse? देखिए ये पीजीटी में हमने बताया था, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हायरकैंथेरियम जो है ये सबसे पुराना हॉर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब जनरल प्रोटिस्टा से क्वेश्चन जो बने थे उनकी बात कर लेते हैं। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट, तो स्पोरोजोआ जो क्लास है टोटली पैरासाइट है, सार्कोडिना में अमीबा था, मेस्टिगोफोरा में आपके पैरा सॉरी
युग्लीना आता है जिसमें फ्लैजला पाए जाते हैं, सिलिएटा में आपका पैरामीशियम आता है। बायोनोमियल नॉमन क्लेचर वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो वो सब आप जानते हैं, लीनियस थे, लीनियस ने बायोनॉमन क्लेचर जो दिया है वो स्पीसीज प्लांटेरम में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर लाइफ हिस्ट्री से उस बीच में जिस दौर का हमने, एक साल का ये पेपर है, एक साल में जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए केवल एक साल हमने लिया है, उस समय जो एग्जाम हुए थे उसका पेपर है केवल एक साल का। तो यहाँ उस समय उस बीच में बाउचेरिया काजेज बाय, तो बाउचेरिया से क्या होता है, तो बाउचेरिया से एलिफेंटेसिस होता है, और डिसेंट्री सब जानते हैं, इंटरमीबिया हिस्टोलिटिका से, जॉन्डिस बैक्टीरिया से, और हेडक, तो कारण कोई भी हो सकता है। बेसल ग्रेन्यूल डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजलम इन हैविंग, तो बेसल ग्रेन्यूल जो होता है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बट विदाउट करंट सेंट्रल फाइबर्स, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, 9+2 होता है ना, बैक्टीरिया में 9+2 नहीं पाया जाता है। एलोजिनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हमें देखने को मिलता है लीवर फ्लूक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी कोड पाल त्यागी की है, पेज नंबर 283 पे दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन आप देख भी सकते हैं। इन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेनुलेसिन द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म इज पैरासाइटाइज्ड, एराइथ्रोसाइट्स आर नोन एज, तो इसे हम क्या देते हैं, स्कूफनर डॉट्स और मरर डॉट्स और राइट डॉट्स और हेमैटिन डॉट्स, तो उसका सही है मरर डॉट्स। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनता है, और इसमें से अलग अलग पिगमेंट निकलते हैं, तो आप उनको देखिएगा, और जो वाइवैक्स से निकलता है हिमैटिन फॉर्म द मलेरियर पिगमेंट कॉल द हीमोजोइन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इन ए फ्रेश वाटर मसल, तो फ्रेश वाटर मसल्स में जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वो कौन सा होता है, ऑर्गेन ऑफ बोजेनस, और ये आपका PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये TGT में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। There are two excretory organ found in the freshwater mussel, organ of Bogenus और Keber organs, तो ये आप ध्यान रखिएगा दो organs है, चूँकि एक का दिया हुआ तो वही हमने सही कर दिया है। ये कोटपाल त्यागी से लिया गया, 6th edition की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काला आजार इज कास्ड बाय, तो ये देखिए ये क्वेश्चन PGT में पूछा गया है, ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया है, ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ब्रॉड लेवल पे कॉमन क्वेश्चन खूब पूछा गया है, हर एक एग्जाम में PCS में पूछा गया है। तो काला आजार कास्ड बाय द लेस्मानिया, ऑप्शन ए लेस्मानिया डोनोवेनाई काला आजार, और ट्रपैनोसोमा से तो आप जानते हैं स्लीप सिकनेस होती है, ट्राइकोमोनास से वेजिनाइटिस होती है, और जिरार्डियाना से डायरिया होती है, उसे ओल्ड मैन आप इंटेस्टाइन भी बोलते हैं जिरार्डियानिया को। हेक्साकैन लार्वा फाउंड इन, तो ये PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। हेक्साकैन लार्वा फाउंड इन, तो हेक्साकैन जो लार्वा पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, हेक्साकैंथ लार्वा, तो हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है टीनिया सोलियम में, किसमें पाया जाता है टीनिया सोलियम में, हेक्साकैंथ लार्वा फाउंड इन टीनिया सोलियम, रहविडिट लार्वा फाउंड इन स्केरिस, और टेडपोल लार्वा एम्फियोक्सस में देखने को मिलता है, और मिरासीडियम रेडिया स्पोरोसिस सर्केरिया मेटा सर्केरिया लार्वा फाउंड इन फैसेला हिपेटिका, तो ये सारी जानकारी आपको लार्वा की थी, ये कोटपाल त्यागी से आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ स्केरिस इज नोन एज द, तो फर्स्ट जो जुवेनिल जुवेनिल लार्वा होता है एस्केरिस का, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बी नंबर रेविटी फॉर्म लार्वा, ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये TGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा एस्केरिस नोन एज द रेविटी फॉर्म लार्वा, मिरासीडियम क्लियर्ड अबव द माइक्रोफाइलेरिया इज द लार्वा फाइलेरियर वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोर और लेस सर्कुलर हॉर्सूज शेप्ड कोरल रीफ पार्शियली होली इनक्लोजिंग द सेंट्रल लैगून इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एटॉल, क्या बोलते हैं एटॉल, ये कोटपाल त्यागी से आए हुए क्वेश्चन है।
पैनाटुला बिलोंग टू द वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल. पैनाटुला किससे बिलोंग करता है आप बताएंगे. तो पैनाटुला बिलोंग करता है एलाइकोनेरिया से, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेड मैंस बॉडीज, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीजीटी में आया है, ये पीसीएस में आया क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में आया क्वेश्चन है. टेड मैंस बॉडीज आर वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ स्टारफिश आर द क्लोजली एसोसिएटेड विद. तो ये किससे एसोसिएटेड रहती है, तो रिंग कैनाल से रहती है, आप ध्यान दे लेंगे इसको. इन इंसेक्ट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर स्टोर्ड इन सेल ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, सेल ऑफ द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मालपिगियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज. तो सही आंसर है इसका फैट बॉडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिया आर एब्सेंट इन. तो सीलिया किस में देख नहीं पाए जाते हैं, प्रोटोजोअन में होते हैं. और एनिलिडा, एनिलिडा में सीलिया नहीं होते हैं. ये कोड पाल त्यागिस लिया गया, सीलिया आर एब्सेंट इन आर्थ्रोपोडा बट प्रेजेंट इन प्रोटोजोवा. सीलिया आर एब्सेंट इन द आर्थ्रोपोडा बट प्रेजेंट इन द प्रोटोजोवा. पैरामीसिया मेनेलिडा एंड ट्रकोलार्वा नेरिस मोलस्क गिल अपीलिया. तो इसके हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो आर्थ्रोपोडा होना चाहिए. ये क्वेश्चन हमें आप कमेंट्स करके बताइएगा. कोटपाल त्यागी की अगर बुक हो तो 360 और 365 104 पे तीनों को देखा गया है और तब इसको लिखा गया है. तो आर्थ्रोपोडा दिया हो गया है जैज लाइक डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टीनिया टेक्स फूड. तो टीनिया जो फूड सक करता है वो बॉडी वॉल से करता है, ध्यान रखिएगा टीनिया. और कोटपाल त्यागी की बुक से लिया गया है. एन आइसोगैमी में क्या होता है कि एक जो गैमिट्स होता है बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है. तो ऑप्शन बी सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ द कैनाल सिस्टम फाउंड इन द इंडियन फ्रेश वाटर स्पंज. तो फ्रेश वाटर स्पंज क्या हुआ, ल्यूकॉन. तो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है. स्पॉन्जिला इज ओनली फ्रेश वाटर इंडियन स्पीसीज कंटेन ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम फाउंड इन द स्काइफा. एस्कॉन टाइप फाउंड इन द ल्यूकोसोलोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन व्हाट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैमल ट्रोफोजॉइट्स ऑफ डिसेंट्री काजिंग अमीबा लाइव. तो वो कहाँ पाया जाता है, तो वो इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फाउंड इन द फ्रेश वाटर, इनमें से स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है. विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम काज द सेरेब्रल मलेरिया. तो सेरेब्रल मलेरिया जो फैलाता है वो फैल्सीफेरम फैलाता है. और ये पीजीटी में क्वेश्चन आया है, ये टीजीटी में क्वेश्चन आया है. और ये तो क्वेश्चन कॉमन है, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दिया है वाइवैक्स जो कास्ट करता है वो मलेरिया. ओवेली कास्ट करता है ओवेल या माइल्ड टर्टेरियन मलेरिया. और मलेरिया उत्काश द क्वार्टन मलेरिया. ये कोटपाल त्यागी से लिया गया है. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. और 39 क्वेश्चन तक 40 वाला क्वेश्चन आपको फिर उपलब्ध कराएंगे. वीडियो कैसा लगा ये उन सभी मित्रों के लिए है जो बायोलॉजी का एनीथिंग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का हो, एनी कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इक्वल महत्वपूर्ण है. जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी तो महत्वपूर्ण है. और पीसीएस में अगर आपने जूलॉजी ले रखी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है. और टीजीटी पीजीटी के लिए तो कॉमन पेपर है. तो देखते हैं और आनंद लीजिए. और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और कमेंट करते समय अपना लिख दीजिएगा आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, मतलब उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, राजस्थान से हैं, तो हमें पता भी चले हमारे दर्शक कहाँ कहाँ हैं भाई. और सबका स्वागत है. इसी के साथ नमस्कार.